हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सीयूटी 2023 में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। क्या ये आपके कक्षा 12 के सिलेबस के बराबर है? क्या इसमें कुछ एडिशनल है? देखिए, ये आपके कक्षा 12 के सिलेबस के ही बराबर है, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल की एबिलिटी अप्रोच, क्वेश्चन अप्रोच करने की एबिलिटी पे आते हैं। और आपने कक्षा 12 में ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस है कक्षा 12 केमिस्ट्री का, उसमें कुछ कम भी पढ़ा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स कट गए होंगे आपके सिलेबस से, लेकिन सीयूटी 2023 में केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपके एनसीईआरटी टोटली एनसीईआरटी का 100% है। और यहाँ पे आपकी क्वेश्चन एबिलिटी अप्रोच करने की एबिलिटी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्वेश्चन की जो वैरायटी होगी वो कॉन्सेप्ट पे आएगी, लॉजिक्स पे आएगी, ठीक है। तो सीयूटी 2023 का सिलेबस क्या है केमिस्ट्री के लिए, आइए देखते हैं। आपके कक्षा 12 के सिलेबस के बराबर ही है, ठीक। तो सीयूटी 2023 सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड है इसका 306। इसके पेपर पैटर्न के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, सीयूटी 2022 में ये केमिस्ट्री जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो आपका आता है, इसमें 50 questions आपको करने होते हैं, 40 questions, मतलब 50 questions आते हैं, आपको करने हैं 40 questions, ठीक है। इस बार भी ये आपके 50 questions आएंगे और आपको 40 questions करने होंगे। तो देखते हैं इसका सिलेबस। सबसे पहले यूनिट है आपका सॉलिड स्टेट यूनिट। सॉलिड स्टेट यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स पढ़ेंगे। और इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी आती है सीयूटी में, क्या आपके डिफेक्ट पूछे जाते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट है, एफ सेंटर, ठीक है, बिंदु दोष, सभी प्रकार के इसमें दोष पूछे जाते हैं। और कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है सीयूटी में। तो आपका ये सॉलिड स्टेट हो गया यूनिट वन केमिस्ट्री का। सेकेंड यूनिट सोल्यूशन, यहाँ पे आपके सीयूटी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, बाकी वांट हाफ गुणांक और जो थोड़ी थ्योरी है चार प्रकार के हमारे वो आते हैं। फिर इसके बाद हमारा यूनिट थ्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी हमारा सीयूटी में न्यूमेरिकल्स आते हैं और रिएक्शंस का भी पूछ लेती है, और जो हमारी रासायनिक श्रेणी है उसमें पूछ लेता है अपचयन ऑक्सीकरण किसका किससे ज़्यादा होगा, ठीक है। हमारा यूनिट थ्री है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सेल्स भी पूछ लेता है, ठीक है। और अगला है हमारा यूनिट फोर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारे पांचों चैप्टर यूनिट फाइव, यूनिट वन से यूनिट फाइव हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, जिससे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। तो हमारा चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस पूछती हैं और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कोलिजन कभी कभी पूछ लेता है और हाँ, इसमें यही आता है, ठीक है। अगला है हमारा यूनिट फाइव जो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, सबसे ज़्यादा सब थ्योरी ही थ्योरी है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, कुछ कुछ आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा है यूनिट सिक्स जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। शुद्धिकरण धातु प्राप्त करना का, इस प्रकार कारखानों में हमको मेटल्स मिलते हैं, उसके सारा प्रोसेस है, ठीक है। भंजन स्थापन वगैरह, भट्टी वगैरह, जिससे हमारा ये आपका आपके बोर्ड में से तो कट गया होगा, लेकिन यहाँ पे फुल का फुल सिलेबस है, ठीक है। यूनिट सेवन है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपके 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन सब की केमिस्ट्री पूछी जाएगी। इन सब के जो एलिमेंट है उनके जो कंपाउंड हो वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब पूछे जाएंगे। अगला हमारा यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है यूनिट नाइन जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, इससे सीयूटी में बहुत तगड़े क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें डबल सॉल्ट हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, ठीक है। और इसमें आता है IUPAC नेमिंग आ जाती है, और वर्नस थ्योरी आ जाती है, क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी आ जाती है, ठीक है।
इससे मोस्टली क्वेश्चन सीयूटी में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला यूनिट है हमारा हेरो एल्केन एंड हेरो एरिन कार्बन। यहाँ से हमारा यूनिट 10 से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेरो एल्केन हेरो एरिन पूछी जाती है। फिर इसके बाद हमारा यूनिट 11 है एल्कोहल फिनाइल ईथर्स। इसमें यहाँ पे सब में मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। ये जो आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है, रिएक्शन में जो मीडिएटर है ये इंटरमीडिएट्स है वो किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के वर्क करेंगे, ठीक है, वो पूछे जाते हैं। अगला यूनिट है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद एमीन है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन लगा हो, ठीक है। इसके बाद हमारा है यूनिट 4 बायो मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे विटामिन, सुक्रोज, ग्लूकोज, प्रोटीन वगैरह वगैरह, डीएनए शायद इसमें है, इसी में है डीएनए आरएनए है, इसको पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं शर्करा राइबोस, शर्करा किस प्रकार की किसमें कौन से मैकेनिज्म है, और आइसोमर्स इसमें भी आते हैं, इन सब में आइसोमर्स भी पूछे जाते हैं, यहाँ भी आइसोमर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे यूनिट 15 जिसका नाम है पॉलीमर्स बहुलक। इसमें प्लास्टिक हो गया, मोम हो गया, और विभिन्न प्रकार की जो लंबी कार्बन की लंबी श्रृंखला की यौगिक होते हैं वो सारे इसमें हैं। इसमें सभी में थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है यूनिट 16 जिसका है नाम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारे हर दिन घटित होने वाले में केमिस्ट्री का क्या यूज है, हर दिन के जीवन में दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या यूज है, ये हमारा यूनिट 16 में है पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका केमिस्ट्री सीयूटी 2023 का सिलेबस। आई होप समझ गए होंगे, आपने कक्षा 12 में पढ़ा भी होगा, और अगर आपकी बोर्ड परीक्षा हुई हुए तो सीयूटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, और नहीं हुई है तो अभी अपनी बोर्ड परीक्षा को आराम से दें। सीयूटी के लिए आप बोर्ड परीक्षा के बाद अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है हर एक यूनिट्स में, हर एक चैप्टर्स में, और हमें जैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए, इनमें हमको क्वेश्चन लगाने की एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये सीयूटी 2023 केमिस्ट्री का सिलेबस इस प्रकार है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद एक एक यूनिट को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। 2022 सीयूटी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको भी दिखाएंगे, और किस प्रकार हम उन क्वेश्चंस को कम समय में हल करेंगे, यही हमारा अगला उद्देश्य रहेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इस भाग के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।